कार्यकर्ता है, व्यापारी हैं, आपके बैंक के कर्मचारी हैं, तो बैंकों के कर्मचारी अपनी समस्या लेकर आते हैं अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। और बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कोई महिला, कोई गर्भवती है, किसी को परिवार की समस्या है, किसी के बच्चे छोटे हैं, तो अपने परिवार से दूर वो देश के दूसरे कोने में जाकर काम कर रही है। उसमें एज अ एमओएस फाइनेंस मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, राजीव जी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आपकी पॉलिसीज ऐसी नहीं हो सकती? जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात पूरे देश भर के लिए करते हैं जहां हमारी रैंकिंग बढ़े, तो आपके इंटरनल रैंकिंग क्यों ना, जहां पर आपके एम्प्लॉयज आपको रैंक करें, आपकी एचआर पॉलिसी ऐसी हो कि आखिरकार अगर उस रीजन में कोई रहे, एक महिला अगर मान लीजिए पंजाब से चलकर चेन्नई में काम करती है, उसको लोकल लैंग्वेज की दिक्कत होगी, परिवार की समस्या अलग होगी, पढ़ाई की अलग होगी। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि मैं रोज इसको झेलता हूं, हो सकता है आपके स्तर पर भी आती हो। इस दिशा में भी अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो हमें इसमें बहुत लाभ मिलने वाला है, आपके बैंक को भी लाभ मिलेगा। हां, अगर आपने सजा देने के लिए ऐसी कोई ट्रांसफर पॉलिसी आपकी होगी तो कृपया करके उसको भी आप इतना कठोर मत बनाइए, उसको भी आप थोड़ा सा और रिलैक्स कर दीजिए। दूसरा,